आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी को, जिसका नाम है हंटिंग ऑफ द क्वीन मैरी। ये मूवी एक हॉन्टेड शिप के ऊपर बेस्ड है और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करके हमारे को मोटिवेट करिए। कहानी की शुरुआत में हमें 1938 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन मैरी नाम की शिप अटलांटिक ओशन को पार कर रही थी। अब हम कैप्टन और क्रू मेंबर की बात सुनते हैं। वो सभी एक खूनी की बात कर रहे थे एंड ये खूनी इसी शिप का एक पैसेंजर है, जिसने अपनी बीवी और दो पैसेंजर का खून कर दिया था। इस वजह से क्रू मेंबर ने उस खूनी को शिप के बेसमेंट में बांध कर रखा है। इस खूनी को इसके किए गए पापों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जब से इस खूनी को रूम के अंदर लाया गया है, तब से ये लगातार सीटियां बजा रहा है। अब हम इसी खूनी की बेटी को देखते हैं, जो कि अपने पापा को ढूंढते ढूंढते इस रूम में आ गई है। अपने पापा को बंधा हुआ देखकर वो उसे आजाद कर देती है, लेकिन ये इस लड़की की सबसे बड़ी भूल थी। ये खूनी अपनी बेटी को भी मार डालता है। इसके बाद शिप में लगातार मौत होनी शुरू हो गई थी। अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। हमें यही शिप दोबारा दिखाई जा रही है, जिसके बारे में सभी ये कहते हैं ये एक हॉन्टेड शिप है और इस शिप की डरावनी कहानियां सभी लोगों ने सुन रखी है। इसी वजह से क्वीन मैरी शिप लॉस में है और इसकी सेल बिल्कुल खत्म हो गई है। इस शिप की रेपुटेशन वापस लाने के लिए कंपनी के ओनर्स ने दो लोगों को हायर किया है, जिनका नाम एनी और पैट्रिक है। पैट्रिक एनी का एक्स हस्बैंड है। पैट्रिक ने डिसाइड किया था वो शिप के ऊपर एक किताब लिखेगा। दूसरी तरफ एनी ने शिप का एक वर्चुअल टूर सॉफ्टवेयर बनाने का फैसला करा, जिसका आइडिया उसके बेटे लूकस ने दिया था। ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, इसी वजह से इन दोनों को शिप पर आने का मौका मिला। पैट्रिक लूकस को अपने साथ शिप के टूर के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ हम एनी को शिप के कैप्टन के साथ शिप के सॉफ्टवेयर की बात करते हुए सुनते हैं। अब सीन चेंज हो गया है एंड लूकस अपने फादर से अलग होकर भटक गया है। वो किसी तरह से शिप के बेसमेंट में आ गया था। तभी हम देखते हैं एक आदमी ने लूकस पर अटैक कर दिया है। लूकस उस अटैक की वजह से पानी में गिर गया था। तभी अचानक एक लड़की आकर लूकस को बचा लेती है, लेकिन वो लड़की पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाती है। अब लूकस अपनी फैमिली के पास आ गया था एंड हम नोटिस करते हैं लूकस के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है ये लूकस है ही नहीं। इसके बाद वो सभी अपने घर आने के लिए निकल जाते हैं एंड हम नोटिस करते हैं इस शिप पर काफी ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मूवी में हमें दो स्टोरीज एक साथ दिखाई जा रही है, एक जो 1938 की है, दूसरी जो कि प्रेजेंट टाइम की है। अब हम दोबारा 1938 का सीन देखते हैं, जहां पर एक फैमिली को दिखाया जाता है, जिनका नाम डेविड, ग्वेन और उनकी 8 साल की बेटी जैकी है। डेविड अपना आधा चेहरा मास्क से ढककर रखता था, क्योंकि वॉर के दौरान उसका आधा चेहरा बुरी तरीके से खराब हो गया था। उसे अपना पूरा चेहरा दिखाने में शर्म आया करती थी, क्योंकि लोग उसका चेहरा देखकर डर जाते थे। अब ये फैमिली शिप के सबसे महंगे डिनर हॉल में डिनर करने का फैसला करती है, पर इनकी बुकिंग इस हॉल में नहीं हो रखी थी। लेकिन डेविड को आइडिया था कि एक कपल ने अभी अभी बुकिंग को कैंसिल करवाया है, इसलिए डेविड स्टाफ के पास जाकर कहता है हम ही वो कपल है जिन्होंने अभी बुकिंग कैंसिल करवाई है, पर अब हम वापस आ गए हैं और हमें सीट वापस चाहिए। इसी वजह से ये फैमिली डिनर हॉल में चले जाते हैं। इस जगह पर काफी बड़े बड़े लोग डिनर कर रहे थे। वहां पर एक काफी बड़ा मूवी डायरेक्टर भी आ रखा था, जिसे जैकी पहचान जाती है और उसे अपना डांस दिखाकर अगली मूवी में रोल मांगने के लिए चली जाती है। अब जैकी जब डायरेक्टर से बात करने के लिए जाती है तो डायरेक्टर उसे डांट कर भगा देता है, जिसके बाद डेविड खुद उस डायरेक्टर के पास जाकर उसे कन्विंस करने लग जाता है। लेकिन डेविड के साथ अब बहुत बुरा होने वाला था। जिन कपल ने अपनी सीट कैंसिल करवाई थी वो कपल वापस आ गया था एंड स्टाफ को भी पता चल गया था कि डेविड और उसकी फैमिली झूठ बोलकर अंदर आए हैं। अब पूरा स्टाफ डेविड को बाहर जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन डेविड डायरेक्टर के जवाब का इंतजार कर रहा था। इतने में डेविड और स्टाफ के बीच में हाथापाई होने लग जाती है। इस वजह से डेविड का मास्क नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं डेविड का असली चेहरा, जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावना था। खैर, ये कपल बाहर तो आ जाता है, लेकिन जैकी अंदर ही रह जाती है, जो कि कुछ देर बाद अपना डांस डायरेक्टर को दिखाती है, जिसे देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दूसरी तरफ हम शिप के बॉयलर रूम में कुछ गड़बड़ देख पाते हैं, जिससे उनके स्टाफ का एक मेंबर बुरी तरीके से जल जाता है। उसी वक्त से हम डेविड के अंदर चेंजेस देखने लग जाते हैं। उसका बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका है। अब डेविड एक कुलाड़ी लेकर अपनी वाइफ और कई पैसेंजर को मार डालता है। इस सीन को हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब सीन शिफ्ट होता है
एंड हम प्रेजेंट टाइम में आ गए हैं, जहां पर एनी और पैट्रिक दोबारा शिप में आ गए थे क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट पर काम करना था। लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाता है वो दोनों इस शिप पर अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए हैं। दरअसल जिसने लूकस पर हमला करा था वो डेविड की ही आत्मा थी। इट्स मीन डेविड की इसी शिप पर मौत हुई है, लेकिन कैसे ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। एंड उस वक्त जिस लड़की ने लूकस को बचाया था वो जैकी की आत्मा थी, मतलब 1938 से जैकी की आत्मा इस शिप पर भटक रही है और मौका देखते के साथ ही उसने लूकस की बॉडी पर कब्जा कर लिया। यही मेन रीजन था लूकस उस हादसे के बाद से बिल्कुल बदल गया था। ये सारी बातें एनी को जैकी ने ही बताई थी जो कि लूकस की बॉडी में थी। एंड एनी को यह भी पता चल गया था लूकस की आत्मा इसी शिप में फंसकर रह गई है, इसीलिए ये दोनों लूकस की आत्मा को शिप से बाहर निकालने के लिए आए हैं। अब हम 1938 के समय में आ गए हैं, जहां पर हमें क्वीन मैरी शिप का सबसे खौफनाक सच पता चलता है, और यही वो मेन रीजन था जिसकी वजह से शिप में बुरी चीजें शुरू हुई थी। अब हमें दिखाया जाता है जब क्रू मेंबर्स शिप में हो रहे मर्डर के बारे में शिप के कैप्टन को बताते हैं, तो कैप्टन एक खतरनाक सीक्रेट को रिवील करता है। अब कैप्टन बोलते हैं कि जब से इस शिप को बनाया जा रहा था तब इस शिप को बनाने वाली कंपनी इतनी स्टेबल नहीं थी, इसी वजह से ये शिप ही उनका आखिरी सहारा था। इसलिए इस शिप के अंदर कुछ भी गड़बड़ ना हो तो उन्होंने एक इंसानी जिस्म की बलि देने का फैसला लिया, जिसकी वजह से शिप के अंदर का स्ट्रक्चर पूरी जिंदगी सही रहेगा। यह एक किस्म का काला जादू था। इस बलि के लिए एडवर्ड क्लार्क नाम के मजदूर को चुना गया जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस थे। एडवर्ड को जबरदस्ती शिप की दीवारों के बीच में जिंदा दफना दिया गया था, जिससे कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई थी, और ये सारी बातें कैप्टन को पहले से मालूम थी। साथ ही कैप्टन को यह भी मालूम था डेविड ये खून जानबूझकर नहीं कर रहा, बल्कि एडवर्ड की आत्मा डेविड के शरीर में घुसकर ये खून कर रही है। सोचने वाली बात यह है कि एडवर्ड की आत्मा ऐसा कर क्यों रही है। असल में बलि का बेनिफिट तभी था जब बलि वाले इंसान की आत्मा शिप के अंदर आए, लेकिन वो आत्मा शिप की दो दीवारों के बीच में बंद थी। वो बॉयलर रूम में हुए ब्लास्ट की वजह से दीवारों से बाहर आ गई थी, और बाहर आते के साथ ही उसने डेविड को अपने वश में कर लिया। इसी वजह से वो एक खतरनाक आत्मा बन चुकी थी, और अब वो डेविड की वजह से इस शिप से बाहर निकलना चाहती है। कैप्टन को पता था एडवर्ड की आत्मा शिप से आजाद होना चाहती है, और एक बार अगर वो आत्मा आजाद हो गई तो ये शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी काले जादू की वजह से ये शिप अभी तक बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। एंड एक बार एडवर्ड की आत्मा आजाद हो गई तो ये सभी पैसेंजर्स पानी में डूबकर मर जाएंगे। अब कैप्टन एक गन लेकर डेविड को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि एडवर्ड की आत्मा इस शिप से बाहर ना निकल पाए। तभी हम देखते हैं डेविड एक छोटी सी बोट से भाग रहा है। कैप्टन उसे गोली मारकर जान से मार डालते हैं, साथ ही वो अपने आप को भी गोली मार देते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। इस तरह से 1938 की कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है इस शिप में और भी आत्माएं हैं, और वो सभी आत्माएं इस शिप से बाहर निकलना चाहती है। दूसरी तरफ एनी और पैट्रिक को इस जहाज पर काफी सारी आत्माओं के संकेत मिल रहे थे, एंड पैट्रिक को भी पता चल गया था इस जहाज पर कुछ भी गड़बड़ ना हो, इसलिए इस जहाज पर एक इंसान की बलि दी गई थी, इस वजह से ये सब हुआ है। फिर ये दोनों उस जगह पर जाते हैं जहां जैकी ने लूकस को बचाया था। वहां पर उन्हें लूकस का कैमरा मिलता है, जिसकी रील्स को ये दोनों अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि इसी कैमरे में उस इंसान की तस्वीरें थी जिसने लूकस पर हमला किया था। मगर इन दोनों के ऊपर एक और मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि इन दोनों ने जैसे ही कैमरे की रील्स को शिप से बाहर ले जाने का फैसला करा था, उसी टाइम से पास्ट में मरे हुए कैप्टन की आत्मा अपनी गन लेकर इन दोनों को ढूंढने में लग चुकी थी, ताकि ना ये दोनों रील्स को जहाज से बाहर लेकर जाए और ना ही इस शिप की इमेज खराब हो। वाह, ये कैप्टन तो मरने के बाद भी शिप का कोई नुकसान नहीं चाहता। अब ये बात जैसे ही एनी और पैट्रिक को पता चलती है, वो दोनों कैप्टन से भागते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब एनी लूकस की आत्मा को एक जगह पर देखती है। एनी उसे काफी ज्यादा आवाज दे रही थी, लेकिन एनी के इतने बुलाने पर लूकस की आत्मा उसे नहीं सुन पाती। थोड़ी देर में ये दोनों शिप से बाहर आ गए थे, तभी अचानक पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से ये मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल आप सब ये सोच रहे होंगे ये कैसी एंडिंग है, तो मैं आप सभी को बता दूं, एनी और पैट्रिक की आत्मा काले जादू की वजह से इसी जहाज में फंसकर रह गई है, और इन दोनों की बॉडी में डेविड और ग्वेन की आत्मा ने कब्जा कर लिया है, और जैकी की आत्मा लूकस के शरीर में थी,
इसीलिए इस पूरी फैमिली को इस शिप से बाहर निकलना था। एनी और पैट्रिक ने शिप पर आकर उनका पूरा काम आसान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे पुलिस को किसने बुलाया। जब जैकी की आत्मा लूकस के शरीर में आई थी तो वो काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। एक दिन वो अपनी खिड़की पर बैठा हुआ था तो शायद किसी पड़ोसी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी, इसीलिए पुलिस वाले एनी और पैट्रिक को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। लेकिन उनके अंदर डेविड और ग्वेन की आत्मा थी। एनी और पैट्रिक की आत्मा पूरी जिंदगी के लिए लूकस की आत्मा के साथ क्वीन मैरी शिप में फंसकर रह गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आगे के आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।